हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीएनए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए और मजबूत करने के लिए 50 डेज मैराथन लेकर के आए, जिसमें 50 डेज में 50 वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। हर वीडियो में 100 MCQs हैं। इसका मतलब 50 दिन में जो 50 वीडियोज अपलोड किए जाएंगे, कुल मिलाकर के 5000 MCQs अपलोड किए जाएंगे। वीडियोज हर रोज रात 10 बजे आ जाता है। आज हमारा डे 17 है। हमने ऑलरेडी लास्ट 16 डेज में 16 वीडियोस अपलोड किए हैं और 1600 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें और अपनी तैयारी में कोई मतलब कमी ना रहने दें। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट पार्ट 17, जिसमें हम एमसीक्यू 1601 से 1700 को कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, वैसे उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 601 क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द सेम एज। सवाल पूछा गया है कि इनमें से किसके जैसा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। दूसरा ऑप्शन, अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तीसरा ऑप्शन, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द सेम एज मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 602 और क्वेश्चन है हमारा, देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दो गुड्स एक्स और वाई दो गुड्स हैं और जो क्रॉस इलास्टिसिटी है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, वो एक्स की डिमांड के ऊपर वाई के प्राइस के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो ये किस टाइप के गुड्स हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इफ देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो, देन दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 603 और क्वेश्चन है हमारा, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेटेरिस पेरिबस द कर्व एक्सपेक्टेड टू बी। सवाल पूछा गया है एक कर्व के एक्सपेक्टेशंस के बारे में, कि वो कर्व कैसा बनेगा अगर सेटेरिस पेरिबस है और सब्स्टिट्यूट गुड्स जो गुड है उसका प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एक गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, उसके सब्स्टिट्यूट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसका कर्व कैसा बनेगा, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वर्टिकल, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिवली स्लोप्ड, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल और चौथा ऑप्शन है नेगेटिवली स्लोप्ड। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है और एक गुड का प्राइस के अगेंस्ट दूसरे गुड्स का डिमांड प्लॉटेड किया गया है, ठीक है, मतलब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो इस सिचुएशन में जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, जब एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट का गुड का डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है और उसका जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 604 क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इंफीरियर गुड्स की कंडीशन में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन नेगेटिव और चौथा ऑप्शन यूनिटरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेगेटिव। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव होता है, मतलब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल कर जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, तो इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 605 क्वेश्चन है हमारा,
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन द केस ऑफ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनमें से किस कंडीशन में, किस केस में, किन गुड्स में नेगेटिव है? पहला ऑप्शन कंज्यूमेबल गुड्स, दूसरा ऑप्शन ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा ऑप्शन इंफीरियर गुड्स और चौथा ऑप्शन सुपीरियर गुड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इंफीरियर गुड्स। अभी लास्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम था जहां पे पूछा जा रहा था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, तो यहां पे इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव इंफीरियर गुड्स में होता है, जहां जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिस इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 606 क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस कंजम्पशन कर्व वुड बी, ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर हम पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो जो प्राइस कंजम्पशन कर्व होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, दूसरा ऑप्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग, तीसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और चौथा ऑप्शन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अपवर्ड स्लोपिंग। इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी सॉरी इन केस ऑफ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस कंजम्पशन कर्व वुड बी अपवर्ड स्लोपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 607 और क्वेश्चन है हमारा, इन प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड रिमेन्स द सेम एज इनकम इंक्रीजेस, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड इज, ठीक है, इन्होंने बोला कि इन प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड रिमेन्स द सेम एज इनकम इंक्रीजेस, अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है और उसका जो प्रपोर्शन है वो जो भी आप खर्च कर रहे हैं किसी एक गुड पे वो एकदम सेम है, ठीक है, मतलब पहले 100 रुपीज थी तो आप 1 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 1000 रुपीज है तो आप 10 रुपए खर्च करो, मतलब 1%, ठीक है। तो यहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स क्या होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 1, तीसरा ऑप्शन लेस देन 1 और चौथा ऑप्शन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इक्वल टू 1, मतलब जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ रही है उसी प्रपोर्शन में उस पर्टिकुलर गुड की जो आपका डिमांड है ना वो भी बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही आप उस पर खर्च भी कर रहे हो, तो दिस इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 608 और क्वेश्चन है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी देन इफ प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर विल, इन्होंने बोला कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, अगर वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, देन प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर विल बी, और अगर उस सिचुएशन में अगर प्राइस फॉल करती है ना तो टोटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा, ठीक है, इट विल इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट और चौथा ऑप्शन आइदर ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ठीक है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी देन इफ द प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे के आंसर्स मैंने बार बार बुक्स के थ्रू इंटरनेट के थ्रू बार बार उसे क्लियर किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़े कंफ्यूजिंग थे जिस वजह से वो गलत हो गया था, तो मैंने वीडियो डिलीट करके वापस आंसर सही करके वीडियो बना करके अपलोड किया, ऐसा भी मैंने किया है, लेकिन उसके बाद से मैंने बहुत ध्यान दिया है कोई भी आंसर गलत नहीं है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर लगता है कोई दिक्कत होती है आपको, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल अच्छी तरीके से करूंगा, जो मैं करता भी हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 609 और क्वेश्चन है हमारा, द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड मेजर्स, जो टोटल एरिया डिमांड कर्व के अंडर मेजर किया जाता है वो टोटल एरिया बताना है आपको। वी हैव फोर ऑप्शंस, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर्स सरप्लस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टोटल यूटिलिटी, द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड मेजर्स टोटल यूटिलिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 610 क्वेश्चन है हमारा,
इफ टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, अगर दो डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उन दो गुड्स का जो डिमांड कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पे क्या होगा? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा, दे आर इक्वली इलास्टिक. दूसरा ऑप्शन, द स्टीपर कर्व इज मोर इलास्टिक. तीसरा ऑप्शन, द फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक. और चौथा ऑप्शन, देयर इलास्टिसिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इफ टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 611, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करेक्टली. इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को दर्शा रहा है, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है कि हाँ इसका एग्जैक्ट मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है. पहला ऑप्शन, द चेंज इन डिमांड इन प्रोपोर्शन टू द चेंज इन प्राइस. दूसरा, द चेंज इन डिमांड इज लेस देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस. तीसरा ऑप्शन, एनी चेंज ऑफ द गुड कैन बी बॉट एट अ फिक्स्ड प्राइस. और चौथा ऑप्शन, देयर इज नो चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन प्राइस. देखिए, डिमांड का और प्राइस का बहुत गहरा रिलेशन है. प्राइस के चेंज होने पर डिमांड बिल्कुल चेंज होता है. इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी अमाउंट ऑफ द गुड कैन बी बॉट एट अ फिक्स प्राइस. ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को इनमें से किस स्टेटमेंट ने करेक्टली डिस्क्राइब किया है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एनी अमाउंट ऑफ द गुड कैन बी बॉट एट अ फिक्स प्राइस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 612, क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सवाल पूछा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन इनफाइनाइट, और चौथा ऑप्शन जीरो. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिव. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 613, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो देन टोटल प्रोडक्ट इज. जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है उस टाइम टोटल प्रोडक्ट क्या, किस लेवल पे होता है. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग, और चौथा ऑप्शन नेगेटिव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो देन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. जिस समय मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है उस टाइम टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है. ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 614, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूटिलिटी इज नॉट ट्रू. इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यूटिलिटी से रिलेटेड सही नहीं है. पहला ऑप्शन है हमारा, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. दूसरा ऑप्शन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर मेक्स चॉइसेस. तीसरा ऑप्शन, यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल. चौथा ऑप्शन, इट इज प्योरली सब्जेक्टिव इशू. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल. हम कभी भी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते. क्वेश्चन में यही पूछा है कि यूटिलिटी से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल, जहां लिखा है, जो कि नहीं होता. हम कभी भी यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते. यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी. हम किसी भी कॉमोडिटी को जब भी कंज्यूम करते हैं तो हम उसे मेजर करके नहीं बता सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना सेटिस्फैक्शन मिला. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 615, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी मेजरमेंट अप्रोचेस इज बेस्ड ऑन द मार्शेलियन स्कूल ऑफ थॉट. इनमें से कौन सा यूटिलिटी मेजरमेंट अप्रोच मार्शेलियन स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा ऑप्शन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तीसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच, और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, जिसमें कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल की बात कही गई है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए.
कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वो अप्रोच है जहां पे यूटिलिटी मेजरमेंट जो किया जाता है वो मार्शेलियन स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 616, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोचेस सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। इनमें से कौन सा यूटिलिटी अप्रोच ये सजेस्ट करता है और बताता है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। क्वांटिफाई करने का मतलब एक्सप्रेस और मेजर द क्वांटिटी, ठीक है। तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कार्डिनल, दूसरा ऑप्शन ऑर्डिनल, तीसरा ऑप्शन बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, और चौथा ऑप्शन नाइदर ऑफ द अप्रोचेस मेक एनी सच सजेशंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कार्डिनल। कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी का मेजरमेंट का वो अप्रोच है जिसमें हम एक हिसाब से यूटिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 617, क्वेश्चन है हमारा, इन विच यूटिलिटी मेजरिंग अप्रोच, इनमें से कौन सा यूटिलिटी मेजरिंग अप्रोच है, इज यूटिलिटी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें यूटिलिटी को हम प्रेफरेंस के ऑर्डर में रैंकिंग करते हैं, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कार्डिनल, दूसरा ऑप्शन ऑर्डिनल, तीसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच, और चौथा ऑप्शन बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं कि हम दो गुड्स में रैंकिंग करते हैं और जो चीज हमें ज्यादा पसंद आती है उसको अच्छा रैंक देते हैं, ठीक है। और कार्डिनल में हम क्या करते थे, यूटिलिटी में हम काउंटिंग नंबर लिखते थे कि एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद 10 यूनिट्स हमें यूटिल्स मिले, दूसरा कंज्यूम करने पे 6 यूनिट यूटिल्स मिला, तो वो कार्डिनल में होता था। लेकिन ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम दो गुड्स जो भी कंज्यूम कर रहे हैं आपस में उन दोनों की रैंकिंग दे करके हम यूटिलिटी बताते हैं कि हमको ये ज्यादा अच्छा लगा, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला कि उससे ज्यादा मिला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑर्डिनल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 618, और क्वेश्चन है हमारा, डैश ऑफ द कमोडिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। सवाल बहुत साफ है, सवाल पूछा जा रहा है कि जो कंज्यूमर है वो एक और यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव करता है ना कमोडिटी का, उसे क्या कहते हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टोटल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन एवरेज यूटिलिटी, और चौथा ऑप्शन ऑर्डिनल यूटिलिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को क्वेश्चन में पुट अप करें तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 619, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट द मोर अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ऑफ अ प्रोडक्ट द लेस इज द यूटिलिटी ही डिराइव्स फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन। सवाल ये पूछा गया है कि जो लॉ स्टेट, इनमें से कौन सा लॉ ये स्टेट करता है, ये बात बताता है कि जो कंज्यूमर है वो जब भी एक एडिशनल यूनिट किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूम करता है तो उसको कंपैरेटिवली कम यूटिलिटी गेन होता है, ठीक है, हर एडिशनल कंजम्पशन से। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यही मतलब होता है कि हर एडिशनल कंजम्पशन पे जो एडिशनल जो भी हमने यूनिट कंज्यूम किया उसमें जो यूटिलिटी है ना वो धीरे 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 कम होती चली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 620, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ सेज, इन चारों में से कौन सा लॉ बोलता है, इफ अ पर्सन हैज अ प्रोडक्ट विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स। अगर किसी एक इंसान के पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसे हम अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दीज यूजर्स इन सच अ वे दैट इट हैज द सेम मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो इंसान उस प्रोडक्ट को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसको हर तरफ से बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिले। तो ये किस यूटिलिटी का, मतलब इनमें से किसका ये परिभाषा है, किसका ये एक एक्सप्लेनेशन है। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ टोटल यूटिलिटी, और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे एक कंज्यूमर
जो भी उसके पास प्रोडक्ट है उसे सेवरल यूजेज में इस हिसाब से पुटअप करता है कि उसको हर तरफ से लगभग लगभग बराबर रिटर्न मिलता है और वो बराबर से सेटिस्फाई होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 621 और क्वेश्चन है हमारा डैश कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हायर कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स, दूसरा ऑप्शन लोअर कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स, तीसरा ऑप्शन बैलेंस्ड कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स और चौथा है नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हायर कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 622 क्वेश्चन है हमारा डैश इज हेल्पफुल इन डिजाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स. इनमें से क्या गवर्नमेंट को हेल्प करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिजाइन करने के लिए और वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन कंज्यूमर सरप्लस और चौथा ऑप्शन इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस इज हेल्पफुल इन डिजाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 623 क्वेश्चन है हमारा एन इनडिफरेंस कर्व शोज. एक इनडिफरेंस कर्व क्या शो करता है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा ऑप्शन द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई इन द मार्केट, तीसरा ऑप्शन द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू बाय वन कॉम्बिनेशन इन रेफरेंस टू अनदर, और चौथा ऑप्शन द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू बाय एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन विदाउट एनी प्रेफरेंस फॉर देम. इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इनडिफरेंस कर्व शोज द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू बाय एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन विदाउट एनी प्रेफरेंस फॉर देम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 624 क्वेश्चन है हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व. चार ऑप्शन से आगे स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है. पहला ऑप्शन ऑलवेज राइजेस, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी कर्व ऑलवेज फॉल्स, तीसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी कर्व फर्स्ट फॉल्स एंड देन राइजेस, और चौथा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी कर्व फर्स्ट राइजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट देन राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन फॉल्स आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. जो टोटल यूटिलिटी कर्व है फर्स्ट राइज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद देन राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद एक टाइम के बाद वो भी फॉल कर जाता है आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 625 और क्वेश्चन है हमारा टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन. टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है. देयर आर फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, दूसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू जीरो, और चौथा ऑप्शन व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम. इस क्वेश्चन का सही आंसर है टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम when marginal utility is zero. Option A is the correct answer for the given question. जब marginal utility zero हो जाता है तब total utility maximum होता है. Graph में अगर आप देखेंगे तो यही होता है. Option A is the correct answer for the given question. Question number 626 और question है हमारा MU curves. MU मतलब होता है marginal utility. ठीक है, MU curve will be below x axis when. Marginal utility curve x axis के नीचे कब चला जाता है. We have four options. पहला option है when marginal utility is positive, दूसरा option when marginal utility is negative, तीसरा option when marginal utility is zero, और चौथा option when marginal utility is constant. तो अगर हम graph बनाएं और देखें कि अगर वो marginal utility curve जो है वो अगर x axis, ये x axis था, इसके नीचे चला गया, तो इसका मतलब ये है कि marginal utility क्या है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव. नेगेटिव जाने पे एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 627 क्वेश्चन है हमारा व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल यूटिलिटी इज. जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी इज. We have four options. पहला option constant, दूसरा option negative, तीसरा option increasing, और चौथा option decreasing. इस question का सही answer है option C increasing.
when the total utility is increasing at an increasing rate, marginal utility is increasing. Option C. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 628, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गॉसिंस फर्स्ट लॉ, इनमें से किसको गॉसिंस का फर्स्ट लॉ कहा जाता है? पहला ऑप्शन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Which of the following is called Gaussian's first law? It is the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility Gaussian's ka first law consider kiya jata hai. ठीक है, option C is the correct answer. हमारा अगला question, question number 629. Question है हमारा, Adam Smith spoke about the famous diamond water paradox to show that. Adam Smith ने डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बारे में जो बात कही थी वो क्या शो करना चाह रहे थे? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन यूटिलिटीज रिलेटेड टू सप्लाई, दूसरा ऑप्शन यूटिलिटीज रिलेटेड टू डिमांड, तीसरा ऑप्शन यूटिलिटी कुड बी द कॉज ऑफ वैल्यू, और चौथा ऑप्शन यूटिलिटी कुड नॉट बी द कॉज ऑफ वैल्यू. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूटिलिटीज रिलेटेड टू डिमांड. देखिए, यूटिलिटी का मतलब होता है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ऑफ अ कॉमोडिटी. तो यूटिलिटी तब आपको मिलती है जब आप किसी चीज की डिमांड करते हो. अगर आप किसी चीज की डिमांड नहीं करोगे, डिजायर नहीं है, और वो चीज अगर आपको मिलेगी तो यूटिलिटी आपको कभी नहीं मिलेगी. मतलब मान लीजिए आपने खाना खा रखा, आपका पेट भरा है, आपको खाना का बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाना खाने का आपने डिमांड भी नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती खाना मिलेगा, तो ये जबरदस्ती खाना खाने से क्या आपको यूटिलिटी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी. तो यूटिलिटी तब आपको मिलती है जब आप किसी चीज के लिए डिमांड करते हो. ठीक है, तो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू डिमांड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ये बात एडम स्मिथ ने कही थी और एक फेमस डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बेसिस पे ये चीज शो की थी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 630, क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन. जो डॉक्ट्राइन है कंज्यूमर सरप्लस का, वो इनमें से किसके ऊपर टोटली बेस्ड है? देयर फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और चौथा ऑप्शन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डॉक्ट्राइन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 631, क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो नोन एज. कंज्यूमर सरप्लस को और क्या कहा जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन डिफरेंशियल सरप्लस, तीसरा ऑप्शन बायस सरप्लस, चौथा ऑप्शन इनडिफरेंस सरप्लस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंज्यूमर सरप्लस इज आल्सो नोन एज बायस सरप्लस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 632, क्वेश्चन है हमारा, The want satisfying power of a commodity is known as. ठीक है, the want satisfying power of a commodity is also known as. We have four options. पहला option demand, दूसरा option supply, तीसरा option consumption, और चौथा option utility. तो आपको मालूम है ना, want satisfying power of a commodity is called utility. ये utility की definition है. ठीक है, utility का definition है the want satisfying power of a commodity. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 633, क्वेश्चन है हमारा, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ. यूटिलिटी को हम इनमें से किसके टर्म में मेजर करते हैं? पहला ऑप्शन ग्राम्स, क्या यूटिलिटी ग्राम में मेजर होती है? दूसरा ऑप्शन सेकेंड्स, तीसरा ऑप्शन सेंटीमीटर्स, और चौथा ऑप्शन यूटिल्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यूटिल्स. यूटिलिटी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 634, क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज. सवाल पूछा जा रहा है कि जब एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन टोटल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन एवरेज यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मार्जिनल यूटिलिटी. जब एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी जब बढ़ जाती है तो ये जो एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम किया इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 635, क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ इट अ कॉमोडिटी कंज्यूम्ड इज नोन एज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी हम कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हर एक यूनिट जो कॉमोडिटी हमने कंज्यूम किया उन सबको जब हम सम कर देंगे तो इसका टोटल हम क्या कहेंगे, उस यूटिलिटी का नाम क्या है। ठीक है, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा कि जब भी हम कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से जो भी हमको यूटिलिटी मिल रहा है उन सारी यूटिलिटीज का टोटल जब हम कर देंगे तो इस सारी यूटिलिटीज का जो सम होता है उसे क्या कंसिडर किया जाता है। वी हैव फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन एवरेज यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल यूटिलिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट इफ अ कॉमोडिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 636, क्वेश्चन है हमारा, द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इज नोन एज। जब हम टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन एवरेज यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इज नोन एज एवरेज यूटिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 637, क्वेश्चन है हमारा, डैश शोज, चार ऑप्शन दिए हैं और चारों में से एक ऑप्शन वहां पे पुट अप करना है और सवाल पूछा जा रहा है कि डैश शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स फिजिकली केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडिफरेंस कर्व, दूसरा ऑप्शन आइसो क्वांट, तीसरा ऑप्शन आइसो कॉस्ट लाइन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आइसो क्वांट। आइसो क्वांट को अगर हम आंसर में पुट करें तो आपको एकदम सही सही स्टेटमेंट मिल जाएगा कि आइसो क्वांट शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स फिजिकली केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, आइसो क्वांट कंसिडर करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 638, क्वेश्चन है हमारा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑकर व्हेन अ फर्म, डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब होगा फर्म, किस सिचुएशन में फर्म का डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हेन द फर्म यूजेस टू मच ऑफ ऑल इनपुट्स, दूसरा ऑप्शन व्हेन अ फर्म यूजेस मोर एंड मोर ऑफ वन इनपुट व्हाइल होल्डिंग ऑल अदर इनपुट्स कॉन्स्टेंट, तीसरा ऑप्शन व्हेन अ फर्म डज नॉट यूटिलाइज इट्स इनपुट efficiently और चौथा ऑप्शन when a firm cuts down on the quantity of all inputs it uses। इस क्वेश्चन का सही आंसर है diminishing returns occur when a firm uses more and more of one input while holding all other input constant, option b is the correct answer। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 639, क्वेश्चन है हमारा, the technical relationship between इनपुट एज वेरिएबल फैक्टर एंड द रिजल्टिंग आउटपुट इज अ डेफिनेशन ऑफ। सवाल पूछा जा रहा है कि जो टेक्निकल रिलेशनशिप है, इनपुट को अगर हम वेरिएबल फैक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो जो रिजल्टिंग आउटपुट आएगा ये किसका डेफिनेशन है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में हम इनपुट और आउटपुट का एक टेक्निकल रिलेशनशिप देखते हैं, कितना यूनिट इनपुट हमने जब लगाया तो उसका आउटपुट कितना यूनिट निकला, ये टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 640, क्वेश्चन है हमारा, यूटिलिटी इज, पूछा जा रहा है यूटिलिटी क्या है। यह फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन यूजफुलनेस, दूसरा ऑप्शन मॉरल implications, तीसरा ऑप्शन लीगल implications और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखिए, यूटिलिटी का मतलब ये होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए यूजफुल हो। जैसे एक एडिक्ट इंसान जिसको अल्कोहल एडिक्ट है, उसको अल्कोहल ड्रिंक करने पे उसे यूटिलिटी मिलती है, लेकिन अल्कोहल ड्रिंक करना इज नॉट यूजफुलनेस।
ठीक है, तो यूटिलिटी मींस इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और जरूरी नहीं कि जिस चीज से आपको यूटिलिटी मिल रही है उससे मुझे मिले, या जरूरी नहीं जिस चीज से मुझे यूटिलिटी मिलती है आपको मिले, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आप समझ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ द अबव। यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस, इज नॉट मोरल इंप्लीकेशन, इज नॉट लीगल इंप्लीकेशन, यूटिलिटी इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 641 क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस इनमें से किस में सबसे ज्यादा है? फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नेसेसिटीज, दूसरा ऑप्शन कंफर्ट्स, तीसरा ऑप्शन लग्जरीज, और चौथा ऑप्शन कन्वेंशनल नेसेसिटीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नेसेसिटीज। कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज्यादा किस केस में होता है? नेसेसिटीज में होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 642 क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वॉज डेवलप्ड बाय। जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो इन सारे महापुरुषों में से किसने डेवलप किया था? पहला ऑप्शन डब्ल्यू एस जेवॉन्स, दूसरा ऑप्शन कार्ल मेंजर एंड वॉरिस, तीसरा ऑप्शन डब्ल्यू एफ लॉयड, जे डिपीट एंड एच एच गॉसन, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही आपने सुना। देखिए, अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो बुक में भी किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम मेंशन नहीं है। जो मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने मिलकर के डेवलप किया, एक इकलौते इंसान ने डेवलप नहीं किया मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ द अबव, ढेर सारे लोग मिलकर के इन्होंने डेवलप किया, तो ये सारे के सारे लोग मिलकर के किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 643 क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज ओरिजिनेटेड बाय। जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था? वी हैव मतलब इसको ओरिजिनेट किसने किया था इस कॉन्सेप्ट को? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जेरमी बैंथम, दूसरा ऑप्शन रिकार्डो, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी ओरिजिनेटेड बाय, मतलब किसने शुरुआत की थी इसकी? इट इज ऑप्शन ए जेरेमी बैंथम। इन्होंने शुरुआत की थी, डेवलप्ड और सारे लोगों ने मिलकर के किया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 644 क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ सिंबल एज। जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, उसको हम, वो जो फॉर्मूला होता है ना मार्जिनल यूटिलिटी का, वो कौन सा फॉर्मूला होता है जरा वो आपको बताना है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, दूसरा ऑप्शन एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस वन माइनस टी यू एन, तीसरा ऑप्शन, अच्छा टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी, एम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, एन का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। टी यू एन इज इक्वल टू, मतलब मैं बेसिकली फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि सही फॉर्मूला क्या है। तीसरा एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन, और आखिरी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्जिनल यूटिलिटी एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 645 क्वेश्चन है हमारा, वी कैन डिफाइन टोटल यूटिलिटी एज। अब पूछ रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बता दे। चलो ठीक है, आप देख रहे हो चार चार तीन तीन फॉर्मूले हैं और चौथा में नन ऑफ दीज लिखा है। पहले में बोल रहे हैं टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू एम यू वन प्लस एम यू टू प्लस एम यू थ्री, मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी वन, मार्जिनल यूटिलिटी टू, मार्जिनल यूटिलिटी थ्री डैश डैश एम यू एन तक। दूसरा फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। तीसरा क्या है, टोटल यूटिलिटी एन इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एन माइनस मार्जिनल यूटिलिटी टू प्लस मार्जिनल यूटिलिटी एन तक, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन वही जो जिसका फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा है, एकदम सही सही लग रहा है, फीलिंग भी आ रही है कि एकदम सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टोटल यूटिलिटी को जब हम जितने भी मार्जिनल यूटिलिटीज है ना उन सबका टोटल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? टोटल यूटिलिटी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 646 क्वेश्चन है हमारा, इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन सिंस। जो इनडिफरेंस कर्व है ना वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स है, सिंस काहे, मतलब सवाल पूछ रहे हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स फॉर वाई इज इंक्रीजिंग,
दूसरा पूछ रहे हैं मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स फॉर वाई इज डिक्रीजिंग, तीसरा कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन सिंस मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स फॉर वाई इज डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 647 क्वेश्चन है हमारा, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू, जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, रीजन उसके पीछे क्या है? पहला ऑप्शन डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, दूसरा ऑप्शन है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तीसरा ऑप्शन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, और चौथा ऑप्शन कॉनकेव टू ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है हर एक गुड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 648 क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट डिनोट्स, जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो किसी भी पॉइंट पे क्या डिनोट करता है? फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स फॉर वाई इज इंक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ वन गुड इन द टर्म्स ऑफ अदर, तीसरा ऑप्शन द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ टू गुड्स इन द टर्म्स ऑफ द प्राइस, और चौथा ऑप्शन द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ वन गुड्स इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ वन गुड इन द टर्म्स ऑफ अदर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो स्लोप होता है ना, द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट डिनोट्स द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ वन गुड इन द टर्म्स ऑफ अदर, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 649 क्वेश्चन है हमारा, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस मोर एक्स एंड लेस वाई गेस, इन्होंने कहा कि अगर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कहा जा रहा है कि मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई गिव्स हाउ मच सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपको बताना है कि अगर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और आप ज्यादा एक्स कंज्यूम कर रहे हो और कंपेरेटिवली वाई कम कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको कैसा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? पहला ऑप्शन लेस सेटिस्फैक्शन, दूसरा ऑप्शन मोर सेटिस्फैक्शन, तीसरा ऑप्शन इक्वल सेटिस्फैक्शन, चौथा ऑप्शन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्वल सेटिस्फैक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन सी। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 650 क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा जा रहा है, उसके फीचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दूसरा एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तीसरा एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, और चौथा एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 651 क्वेश्चन है हमारा, ऑड वन आउट हमें निकालना है विद रिगार्ड टू इंडिफरेंस कर्व। यहां पे चार कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इंडिफरेंस कर्व के, और कहा गया है कि इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अगर हम इंडिफरेंस कर्व के रिगार्ड में अगर समझें तो आप समझिएगा, पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्या इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है? दूसरा ऑप्शन मूव्स लेफ्ट टू राइट, तीसरा ऑप्शन मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और चौथा ऑप्शन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। रीजन मैं आपको बताता हूं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स होता है हमेशा। देखिए, अगर मैं यहां पे आपको एक छोटा सा एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं और ग्राफ बना करके अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप समझ जाएंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इंडिफरेंस कर्व इस हिसाब से बनता है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के ये यहां पे कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरा कह रहे हैं मूव्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप ये देख रहे हैं कि ये लेफ्ट से लेकर के राइट साइड में डाउनवर्ड की ओर मूवमेंट है। ठीक है, और कह रहे हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी एक फीचर है।
इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इस हिसाब से लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करता, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल मूव नहीं करता। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 652। क्वेश्चन है, एट द सैचुरेशन पॉइंट फ्रॉम कॉमोडिटी एक्स द मार्जिनल यूटिलिटी एक्स ऑफ एक्स इज, जो सैचुरेशन पॉइंट होता है किसी भी कॉमोडिटी का, जैसे कॉमोडिटी एक्स का जो सैचुरेशन पॉइंट होगा, वहां पे कहा जा रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स की होगी वो क्या होगी। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन जीरो हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन पॉजिटिव और चौथा ऑप्शन नाइदर नेगेटिव नॉर जीरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जीरो। सैचुरेशन पॉइंट, अगर एक्स कॉमोडिटी के सैचुरेशन पॉइंट की बात की जाए तो सैचुरेशन पॉइंट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा ना एक्स कॉमोडिटी का, वो जीरो हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 653। क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज, जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है कंज्यूमर का वो उसका और कौन सा कर्व होता है। इट कैन बी हिज सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज डिमांड कर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी कर्व उसका डिमांड कर्व भी कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 654। क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, नीचे फॉर्मूले दिए हुए हैं, कहा जा रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस एक्चुअल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस लॉस ऑफ यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस गेन ऑफ यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। मतलब समझिएगा, एक कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन में तब पहुंचता है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, और जितना उसने एक्सपेक्टेशंस किया उससे ज्यादा उसे जब मिल जाता है तो कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, अगर आप 10 रुपीज स्पेंड करके आप सोच रहे हो आपको 10 यूटिल्स तक का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अगर आपको कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मतलब मिल जाता है, ज्यादा यूटिल्स मिल जाते हैं, तो आप कंज्यूमर सरप्लस, एग्जाम्पल 10 रुपए में मान लीजिए जो पानी के बताशे आते हैं, फुल्की आती है ना, 10 रुपए में अगर आपको 5 मिल रही है तो आप मान करके चल रहे हो कि जब हम जाएंगे खरीदने के लिए तो 10 में से हमें 5 मिलेगी, 5 में हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपको 10 रुपए में 6 मिल जा रही है, आपने एक्सपेक्ट किया था 5 मिलेगी, आपको एक्चुअली में मिल गई 6, तो अब आप कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन में आ गए। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 655। क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल एनालाइजिंग मार्शल्स मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वन अज्यूम्स, जब हम मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस मेजर एनालाइज करते हैं तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टडिंग अबाउट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वी आर स्टडिंग अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये अजम्पशन हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लेकर के चलते हैं, तीसरा ऑप्शन मोनोपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हाइल एनालाइजिंग मार्शल्स मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वन अज्यूम्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 656। और क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का वो किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 657। और क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम फॉर कंज्यूमर सरप्लस इज, हमें बताना है कंज्यूमर सरप्लस का दूसरा नाम। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल सरप्लस, दूसरा ऑप्शन है सरप्लस वैल्यू,
तीसरा ऑप्शन है इनडिफरेंस सरप्लस और चौथा ऑप्शन है बायस सरप्लस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बायस सरप्लस। अनदर नेम फॉर कंज्यूमर सरप्लस इज बायर्स सरप्लस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 658 और क्वेश्चन है हमारा बायर सरप्लस इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ। जो बायर सरप्लस है वो इनमें से किसकी कंडीशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। बायर सरप्लस का मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आपको मिल जाता है, तो इट इज बायर सरप्लस। ठीक है, पहला ऑप्शन लग्जरीज, दूसरा ऑप्शन कंफर्ट्स, तीसरा ऑप्शन नेसेसिटीज और चौथा ऑप्शन कन्वेंशनल नेसेसिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नेसेसिटीज। नेसेसिटीज वो कंडीशन होती है जहां पे आप जितना मान करके चलते हो उससे ज्यादा ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। लग्जरीज में हमेशा कम मिलता है, हम जितना भी ज्यादा खर्च कर दें लग्जरीज में उतना हमको कभी नहीं मिलता। लग्जरीज में एक्चुअली में हम लोग प्रीमियम पैसा देते हैं, मतलब जितना हमें मालूम है ना जितना हमें खर्च करना चाहिए उससे ज्यादा ही हमको देना पड़ जाता है, वो लग्जरी होता है। और लग्जरी में जितना हमने ज्यादा पैसा दे दिया उस उतने बराबर का हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, कंफर्ट्स नहीं आता इसमें, नेसेसिटी जरूर सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 659 और क्वेश्चन है हमारा कंज्यूमर सरप्लस मींस, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब बताइए। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड इंडिविजुअल प्राइस। दूसरा ऑप्शन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड पोटेंशियल प्राइस। तीसरा ऑप्शन लो प्राइस इज अवेलेबल और चौथा ऑप्शन हैप्पीनेस ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्चुअल प्राइस एंड पोटेंशियल प्राइस कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बी सही आंसर है, ऑप्शन बी जहां पे बोला जा रहा है कंज्यूमर सरप्लस उस कंडीशन में आता है, एक कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन में तब आता है जो उसका एक्चुअल प्राइस होता है और जो पोटेंशियल प्राइस होता है। प्राइस ज्यादा भी हो सकता है लेकिन आपसे कंपेरेटिवली कम चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब आप ये समझिएगा कि किसी चीज की वैल्यू ज्यादा हो सकती है लेकिन आपसे कम चार्ज किया जा रहा है, आपको वो सस्ते में मिल जा रहा है, तो आप सरप्लस की कंडीशन में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई सामान खरीदने गए आपको डिस्काउंट में मिल गया, उसी दिन डिस्काउंट आया था और आपको मिल गया, तो आप सरप्लस की कंडीशन में है। लो प्राइस जो ऑप्शन सी है ना जिसमें लिखा है लो प्राइस इज अवेलेबल, लो प्राइस इज अवेलेबल सरप्लस की कंडीशन नहीं होती है, लेकिन हाँ डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो वो उसमें आप सरप्लस की कंडीशन में हो, जहां पे 1000 रुपीज का सामान अगर आपको 700 में मिल गया आप सरप्लस में हो, आप बहुत खुश हो। लेकिन अगर वही चीज अगर आपको 100 रुपए में भी मिल रही है ना, तो क्योंकि वो लो प्राइस टैग में है तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल, आप सरप्लस की कंडीशन में नहीं आओगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 660 और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मार्जिनल रेवेन्यू तब जीरो हो जाएगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is less than 1, दूसरा ऑप्शन equal to 1, तीसरा ऑप्शन greater than 1 और चौथा ऑप्शन 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 0। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 0 इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। मार्जिनल रेवेन्यू तब 0 हो जाएगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 661 और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज फाइनलाइज्ड बाय। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को बहुत सारे प्रोफेसर ने मिलकर के फाइनलाइज किया, मतलब फाइनलाइजेशन के स्टेज तक लेकर के बहुत चेंजेस किए इसमें मार्जिनल यूटिलिटी में। लेकिन इनमें से एक ऐसे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को फाइनलाइज किया, उनका नाम आपको बताना है। वी हैव फोर ऑप्शंस। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये नाम उल्टा लिखा हुआ है, सबसे पहले इन्होंने सरनेम लिखा है उसके बाद फर्स्ट नेम डाला है, तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। इनका पूरा नाम है, मतलब सही नाम है जे आर हिक्स, दूसरे हैं जे एम कीन्स, तीसरे हैं जे एस मिल्स और चौथे हैं ए सी पीगू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जे एस मिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज फाइनलाइज्ड बाय जे एस मिल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 662 क्वेश्चन है हमारा एडिशन टू टोटल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी इज। टोटल यूटिलिटी जो है ना किसी कॉमोडिटी का, उसमें एडिशन को क्या कहते हैं, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी इज। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एवरेज यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। सवाल पूछा गया है कि अगर टोटल यूटिलिटी में अगर कुछ एडिशन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में अगर कुछ ऐड करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 663 क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज, जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है ना किसी कंज्यूमर का, वो और क्या होता है उसका? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इंडिफरेंस कर्व, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी कर्व, तीसरा ऑप्शन सप्लाई कर्व और चौथा ऑप्शन डिमांड कर्व. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिमांड कर्व. जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है ना ऑफ अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज डिमांड कर्व. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 664 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो. द सवाल पूछा जा रहा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तब क्या होता है. ठीक है, पहला ऑप्शन ए यूज मैक्सिमम, ए यूज एवरेज यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है. दूसरा ऑप्शन टी यूज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है. तीसरा ऑप्शन एम यू इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है. और चौथा कह रहे हैं टोटल यूटिलिटी इज द मिनिमम. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है. उसके बाद फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है तो टोटल यूटिलिटी फॉल करना शुरू हो जाता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 665 क्वेश्चन है हमारा, कार्डिनल यूटिलिटी थियरी इज एसोसिएटेड विथ. जो कार्डिनल यूटिलिटी थियरी है ना वो किनसे एसोसिएटेड है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है मार्शल एंड जिबॉन्स, दूसरा ऑप्शन गॉसन एंड वॉलरास, तीसरा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ऑल ऑफ द अबव. कार्डिनल यूटिलिटी थियरी इज एसोसिएटेड विद मार्शल एंड जो जिबॉन्स, गॉसन्स एंड वॉलरास. ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 666 और क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरीज. इनमें से कौन सा कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का अजम्पशन नहीं है? पहला ऑप्शन रैशनैलिटी, दूसरा ऑप्शन मेजरेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज इनकम इंक्रीजेस. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज इनकम इंक्रीजेस इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 667 क्वेश्चन है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी स्टेट्स दैट. जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है वो क्या बताता है, मतलब उसका एक हिसाब से डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है वो पूछ रहे हैं आपसे. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट. मतलब ये कह रहे हैं कि हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी है ना वो कम होती चली जाती है. टोटल यूटिलिटी कम नहीं होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है. ठीक है, तो पहला वाला गलत है. दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशेस वेदर समथिंग इज कंज्यूम्ड और नॉट. ऐसा भी नहीं है, कह रहे हैं कि यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है, अगर आप कुछ कंज्यूम कीजिएगा या नहीं कीजिएगा हर बार डिमिनिश होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, अगला कह रहे हैं कि यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस आफ्टर दैट डिमिनिशेस एट एवरी पॉइंट. कह रहे हैं कि पहले यूटिलिटी इंक्रीज करेगा और उसके बाद हर पॉइंट पे वो डिमिनिश करेगा. जरूरी नहीं, कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं ना जिसको कंज्यूम करने पे यूटिलिटी और बढ़ जाती है. वन मोर, आप समझ रहे होंगे ना, तो वन मोर मतलब वो जो अल्कोहलिक जो ड्रिंक या सिगरेट वाले लोग होते हैं उनका मतलब आप समझ रहे हैं ना. ठीक है, उनको मतलब उनका जो यूटिलिटी है वो और बढ़ता चला जाता है. ठीक है, क्योंकि दे आर एडिक्टिव. और आखिरी कह रहे हैं द एडिशनल बेनिफिट, समझिएगा क्योंकि ये सही आंसर है, द एडिशनल बेनिफिट विच पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट शुड बी. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, जहां पे कहा जा रहा है कि जो एडिशनल बेनिफिट है विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन increases of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that he should be. मतलब समझ में आया ना कि law of diminishing utility का मतलब ये होता है कि हर additional stock को जैसे ही आप gain करते हो वैसे ही आपकी utility diminish होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी भी चीज की बात की जा रही हो. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला question है question number 668 और question है हमारा, which of the following is the only determinant that the law of supply takes into account. इनमें से कौन सा
एक ऐसा इकलौता डिटर्मिनेंट है जो लॉ ऑफ सप्लाई लेकर के चलता है। पहला ऑप्शन टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और चौथा परचेजिंग पावर ऑफ सेलर्स। हैं परचेजिंग पावर ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, जिसको जो ओनली एक डिटरमिनेंट है जो सप्लायर लेकर के चलता है, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको मालूम है ना कि डिमांड में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, डिमांड में क्या होता है कि इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड हम एज अ कंज्यूमर स्टडी करते हैं, लेकिन सप्लाई हम एज अ सप्लायर स्टडी करते हैं, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी, सॉरी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। एज अ सप्लायर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और सप्लाई सॉरी प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि ओनली डिटर्मिनेंट दैट द लॉ ऑफ सप्लाई टेक्स इनटू अकाउंट इज ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 669, और क्वेश्चन है हमारा टिपिकली द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व के बारे में पूछा जा रहा है कि ये स्लोप होता है, कहां जाता है, कैसे जाता है, कैसा मूवमेंट होता है, ठीक है। टिपिकली द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, दूसरा ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड्स, तीसरा ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, और चौथा ऑप्शन इज वर्टिकली स्ट्रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टिपिकली द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, ठीक है। जो सप्लाई कर्व होता है ना वो अपवर्ड स्लोप करता है, सप्लाई कर्व ऐसे बनता है ना। देखिए माउस से बना रहे हैं तो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, तो ये जो सप्लाई कर्व हमने बनाया है ना, स्लोप अपवर्ड्स हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और स्लोप अपवर्ड्स हो रहा है, ये सप्लाई कर्व हो गया। और डिमांड कर्व जस्ट इसका अलग होता है, डिमांड कर्व इस हिसाब से लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्लोप अपवर्ड्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 670, और क्वेश्चन है हमारा व्हेन मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आर सप्लाइड एट द हायर प्राइस इट इज कॉल्ड। जब हायर प्राइस पे ज्यादा प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, देखिए सप्लाई वाली बात हो गई, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन सप्लाई, तीसरा ऑप्शन डिक्रीज इन सप्लाई, और या चौथा ऑप्शन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आर सप्लाइड एट द हायर प्राइस इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ऑप्शन डी, इसे हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 671, क्वेश्चन है हमारा When change in the quantity supplied is proportionate to the change in the price, the product is said to have. Question कह रहे हैं जो quantity supplied है वो उसके price के proportionately change हुई है, जितना proportionately price change हुआ उतना ही quantity supply जो की गई price के accordingly proportionately हमने change की। The product is said to have, product की किस तरीके की elasticity supply है, ठीक है। पहला option unitary elastic supply, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, तीसरा ऑप्शन रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, और चौथा ऑप्शन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। देखिए जितना प्रोपोर्शनेटली यूनिटरी ही होता है एक हिसाब से, कि जैसे 10% प्राइस चेंज हुआ तो 10% आपने सप्लाई बढ़ा दी, तो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 672, और क्वेश्चन है हमारा सेट्रिस पैरेबस। सेट्रिस पैरेबस मतलब समझते ना, प्राइस चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स रिमेंस द सेम, इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी तो क्या होगा, ठीक है। सेट्रिस पैरेबस के बेसिस पे अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो क्या होगा, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, तीसरा क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, और चौथा कह रहे हैं बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी, हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी और जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ बी एंड। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 673, और क्वेश्चन है हमारा इफ बोथ द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट बाय द सेम अमाउंट, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं और सेम अमाउंट में शिफ्ट कर रहे हैं, द इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू द राइट, और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो राइट में शिफ्ट हो जा रहा है, वॉट इफेक्ट इट वुड हैव ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसका इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस,
दूसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, तीसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनअफेक्टेड, और चौथा कह रहे हैं इनडिटरमिनेबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनअफेक्टिव। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 674, और क्वेश्चन है हमारा इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन की बात की जा रही है, व्हेन सप्लाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट लेवल विल, जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट लेवल होगा ना वो क्या होगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या इंक्रीजेज इनिशियली एंड लेटर डिमिनिशेस। तो सवाल आप समझ गए होंगे, शॉर्ट रन की बात की जा रही है, व्हेन सप्लाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जब सप्लाई कॉन्स्टेंट है और जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में फॉल कर जाता है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको आपकी सप्लाई सेम है, अब प्राइस कम हो गया तो आपका प्रॉफिट लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 675, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा व्हेन सप्लाई प्राइस इंक्रीजेस इन द शॉर्ट रन, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, जो सप्लाई प्राइस है वो शॉर्ट रन में अगर इंक्रीज कर जाएगा तो जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, उसका प्रॉफिट क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्राइस फॉल कर रहा था तो डिक्रीज हो रहा था प्रॉफिट, यहां पे प्राइस राइज। क्वेश्चन नंबर 676, और क्वेश्चन है हमारा अ फेलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स, एक फेलिंग सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट करता है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन इंटरनल इकोनॉमिक्स, तीसरा ऑप्शन एक्सटर्नल डिसइकॉनमीज, और चौथा ऑप्शन इंटरनल डिसइकॉनमीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फेलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स इंटरनल डिसइकॉनमीज। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, अ फेलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स इंटरनल डिसइकॉनमीज। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है जिस वजह से चीजें महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो इससे सप्लाई कर्व एक हिसाब से फेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 677, क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ज्यादा इलास्टिक कब होती है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन शॉर्ट पीरियड, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग पीरियड, तीसरा ऑप्शन मार्केट पीरियड, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 678, और क्वेश्चन है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह है। वी हैव फोर ऑप्शंस, मतलब क्या चीज सिमिलैरिटी एक हिसाब से। पहला ऑप्शन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस, दूसरा ऑप्शन मेजरेबल ओनली क्वालिटेटिवली, तीसरा ऑप्शन नॉट मेजरेबल, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी प्राइस है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल करता है, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड राइज करता है। तो ये जो प्राइस है ना, चेंज इन प्राइस, ये डिमांड को भी इफेक्ट करता है और ये सप्लाई को भी इफेक्ट करता है। जब प्राइस हाई होता है तो सप्लाई ज्यादा होता है, जब प्राइस लो होता है तो सप्लाई कंपैरेटिवली लो होता है। तो यही सवाल पूछा गया था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 679, क्वेश्चन है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई में चेंज आ रहा है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर चीज में चेंज आ रहा है, वो पर्टिकुलर चीज इन्होंने हमसे पूछी है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन कंडीशन ऑफ सप्लाई, तीसरा ऑप्शन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई में तभी चेंज आएगा जब उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, कीमत में चेंज आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 680 और क्वेश्चन है हमारा अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई स्केड्यूल इंडिकेट्स। एक सप्लाई स्केड्यूल में राइटवर्ड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ डिक्रीज इन सप्लाई, एक दूसरा ऑप्शन एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तीसरा ऑप्शन एन इंक्रीज इन सप्लाई और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन। देखिए ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, सप्लाई कर्व वैसे पहले बनता था, अब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और सप्लाई कर्व ऐसे बन रहा है। तो जब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन सी एन इंक्रीज इन सप्लाई इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मतलब सप्लाई बढ़ गया है। राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई स्केड्यूल इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन सप्लाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 680 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस अ मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई टेक्स प्लेस सप्लाई इज कंसिडर्ड टू बी। इन्होंने सवाल पूछा है अगर प्राइस, देखिए इन्होंने सवाल पूछा कि व्हेन इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस अ मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टेक्स प्लेस। जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेटली सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब मानिए समझिएगा कि अगर 10% प्राइस चेंज हो रहा है तो 15% सप्लाई चेंज हो जा रहा है। तो इसमें सप्लाई इज कंसिडर्ड टू बी, ठीक है, तो इसमें सप्लाई को हम क्या कंसिडर करेंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन रिलेटिवली इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन रिलेटिवली इन इलास्टिक और चौथा ऑप्शन परफेक्टली इन इलास्टिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है, ये रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक है। और किससे रिलेट कर रहे हैं, हम प्राइस से रिलेट कर रहे हैं। किसको रिलेट कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड को रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 682 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई द चेंज इन द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल। इन्होंने कहा है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर है, ठीक है, द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर है तो जो चेंज आएगा ना न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस में वो क्या होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बी हायर, दूसरा ऑप्शन न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी हायर देन द प्रीवियस प्राइस, तीसरा ऑप्शन न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर और चौथा ऑप्शन न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर देन द प्रीवियस प्राइस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई द चेंज इन द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं और आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, मैंने आंसर भी किया है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी लोअर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 683 और क्वेश्चन है सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी मीन्स, कॉमोडिटी के सप्लाई से क्या तात्पर्य है, ठीक है, क्या समझते हैं सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्टॉक अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, दूसरा ऑप्शन स्टॉक अवेलेबल विथ ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल द कैपिटल गुड्स, तीसरा ऑप्शन स्टॉक अवेलेबल विथ अ सिंगल प्रोड्यूसर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी मीन्स स्टॉक अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी मीन्स ऑप्शन ए स्टॉक अवेलेबल फॉर कंजम्पशन इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 684 और क्वेश्चन है हमारा एन एंटरप्रेन्योर हु मैनेजेस हिज फर्म्स हैज टू फोरगो हिज सैलरी। एक एंटरप्रेन्योर जो अपना फर्म मैनेज कर रहा है और अपनी सैलरी फोरगो कर ले रहा है, मतलब सैक्रिफाइस कर दे रहा है एक हिसाब से, विच ही कुड हैव अर्नड इफ ही हैड वर्कड एल्सवेयर, जो वो कमा लेता अगर वो कहीं और काम करता तो। द फोरगोन कॉस्ट इज नोन एज, जो फोरगोन कॉस्ट है ना, जो उसकी सैलरी जो बेचारा एक हिसाब से सैक्रिफाइस कर दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फोरगोन कॉस्ट। और इस फोरगोन कॉस्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है। वी हैव फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन हिडन कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एक्चुअल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो वो मैनेजर
जो एंटरप्रेन्योर है, जो अपने फर्म को मैनेज कर रहा है, वो अपनी सैलरी फॉरगो कर दे रहा है, अगर वो वही काम कहीं और करता तो ये जो फॉरगो कर रहा है, जो सैक्रीफाइस कर रहा है एक हिसाब से, इसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 685, और क्वेश्चन है हमारा, डैश आर द वैल्यू ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटीज दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी फिजिकल कैश पेमेंट। ठीक है, वो कौन सी वैल्यू होती है जो मतलब फॉरगोन अपॉर्चुनिटीज में हम खो देते हैं जिसका कोई फिजिकल कैश पेमेंट हमें नहीं मिलता। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन हिडन कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन एक्चुअल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द वैल्यू ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटीज दैट डू नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल कैश पेमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 686, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनमें से कौन सा कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कौन सा कॉस्ट एंटर नहीं करते, मतलब कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं मिलता हमको। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टैक्सेस, और चौथा ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट की एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट की एंट्री होती है, क्योंकि बिजनेस के बाहर के लोगों को हम उनको जो फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो पेमेंट हम करते हैं दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बाहर से हमने कुछ भी लिया, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो भी खर्चा हुआ, बाहर का पैसा जिसे हमें बाहर के लोगों को पे करना है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हमें बतानी पड़ती है, टैक्सेस भी बताना पड़ता है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 687, क्वेश्चन है हमारा, डैश कैन बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल पेमेंट टू अदर पार्टीज। इनमें से किसको हम एक्चुअल कॉस्ट कहेंगे, जो हम एक्चुअली दूसरी पार्टीज को पे करते हैं, मतलब डैश कैन बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट। इनमें से कौन सा एक कॉस्ट है, मतलब लागत है। हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत। ठीक है, लागत का मतलब किसी भी एक प्रोडक्ट के पर यूनिट को बनाने की जो कीमत होती है, कॉस्ट होता है। ठीक है, तो डैश कैन बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल पेमेंट टू अदर पार्टीज। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन हिडन कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल पेमेंट टू द अदर पार्टीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम खुद को क्या पेमेंट करेंगे, अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने बिजनेस में, अपने फर्म में हम एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, तो खुद को हम कोई एक हिसाब से पैसा नहीं देते, हम फोरगो कर देते हैं वो सैलरी वैलरी जो भी, अगर वही चीज हम दूसरे के यहाँ कर रहे होते थे। लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या है कि हमारे अंडर अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसको तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो पेमेंट टू अदर पार्टीज, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन बी, जिसकी एंट्रीज हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करके दिखाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 688, और क्वेश्चन हमारा, डैश इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनमें से क्या इंक्लूड करता है, मतलब क्या इंक्लूड करता है, सारे के सारे जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम पेमेंट करते हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन अकाउंटिंग कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 689, और क्वेश्चन है हमारा, डैश कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म टू डिटरमाइन द आउटपुट एट विच द प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज। ठीक है, कौन सा कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्म के शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, ताकि डिटरमाइन किया जा सके, टू डिटरमाइन द आउटपुट एट विच द प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज, ताकि वो आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पाए या बेच पाए जिसमें हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है संक कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
डी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म टू डिटरमाइन द आउटपुट एट विच प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज। सही बात है, मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके बेसिस के ऊपर हम अपने प्रॉफिट को, मतलब हम अपना आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं कि इतने आउटपुट में हमारा मार्जिनल कॉस्ट हमें रिकवर हो जाएगा, उसके बाद हम किस प्राइस पे बेचें या कितना और यूनिट्स हम सेल करें ताकि हम अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 690, और क्वेश्चन है हमारा, डैश कॉस्ट इज द टोटल एडिशनल कॉस्ट दैट अ फर्म हैज टू इनकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ मेजर मैनेजरियल डिसीजन। एक फर्म को वो कौन सा कॉस्ट इनकर करना बहुत जरूरी है इन द टोटल एडिशनल कॉस्ट जिससे एक मेजर मैनेजरियल डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, इनमें से कौन सा कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है किसी भी फर्म के लिए ताकि मेजर मैनेजरियल डिसीजंस लिया जा सके। ठीक है, और ये जो कॉस्ट है ना, ये टोटल एडिशनल कॉस्ट के अंदर आता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है संक कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और चौथा है मार्जिनल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटल एडिशनल कॉस्ट दैट अ फर्म हैज टू इनकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ मेजर मैनेजरियल डिसीजंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 691, और क्वेश्चन कह रहा है डैश कॉस्ट मस्ट बी पेड इवन इफ द फर्म्स लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो। ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो फर्म को पेमेंट करना बहुत जरूरी है, पेमेंट करता भी है फर्म, अगर फर्म का आउटपुट अगर जीरो है तो भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन इट्स एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट मस्ट बी पेड इवन इफ द फर्म्स लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 692, क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फंक्शंस, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम। जो कॉस्ट फंक्शन है वो एक डिराइव्ड फंक्शन है, लेकिन ये डिराइव कहां से किया गया है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिमांड फंक्शंस, दूसरा ऑप्शन सप्लाई फंक्शंस, तीसरा ऑप्शन आइसोक्वांट फंक्शंस, और चौथा ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फंक्शंस, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन डी प्रोडक्शन फंक्शन। जो कॉस्ट फंक्शन है वो डिराइव किया गया है प्रोडक्शन फंक्शन से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 693, और क्वेश्चन है हमारा अ कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट विद चेंज इन। जो कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन करता है ना, कॉस्ट का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है विद चेंज इन व्हाट। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आउटपुट, दूसरा ऑप्शन इनपुट, तीसरा ऑप्शन टेक्नोलॉजी, और चौथा ऑप्शन वेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आउटपुट। अ कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट विद द चेंज इन आउटपुट। ठीक है, मतलब जो आउटपुट है ना, अगर आप एक यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका आउटपुट एक यूनिट हो गया, तो आपकी कॉस्ट क्या है? तो यही तो कॉस्ट फंक्शन बताता है कि फिक्स कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है एक यूनिट प्रोडक्शन में। अगर आप वही चीज अपना आउटपुट बढ़ा करके आप 10 यूनिट्स कर दो तो ये चीजें चेंज हो जाएगी, 100 यूनिट्स कर लीजिए तो चीजें चेंज हो जाएगी, 1000, 10000, 1 लाख यूनिट्स कर लीजिएगा तो आपका कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन करेगा कॉस्ट विद चेंज इन आउटपुट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 694, क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट फंक्शन इंडिकेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड। जो कॉस्ट फंक्शन है वो इंडिकेट करता है फंक्शनल रिलेशनशिप टोटल कॉस्ट के बीच में और किसके बीच में। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टोटल इनपुट, दूसरा ऑप्शन फिक्स कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टोटल आउटपुट, और चौथा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी टोटल आउटपुट। द कॉस्ट फंक्शन इंडिकेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 695, क्वेश्चन है हमारा इफ द फर्म्स आउटपुट लेवल इज बिलो द शॉर्ट रन कैपेसिटी ऑफ द फर्म।
ठीक है, अगर फर्म का जो आउटपुट लेवल है ना वो उसके शॉर्ट रन कैपेसिटी से बिलो है, बिलो मतलब कम है, शॉर्ट रन में अगर कोई फर्म काम कर रहा है तो शॉर्ट रन कैपेसिटी से भी अगर नीचे अगर कोई फर्म काम कर रहा है ना, तो आगे कह रहे हैं इट इज डैश इट्स प्लांट्स एंड मशीनरी, तो अपने प्लांट एंड मशीनरी को किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहा है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन अंडर यूटिलाइजिंग, दूसरा ऑप्शन फुल्ली यूटिलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन ओवर यूटिलाइजिंग और चौथा ऑप्शन एक्सप्लॉइटिंग। तो देखिए अगर शॉर्ट रन से भी नीचे काम कर रहा है, बिलो द लेवल ऑफ शॉर्ट रन, इसका मतलब फुल्ली ओवर एक्सप्लॉइटिंग तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अंडर यूटिलाइजिंग, आप कम इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन का लेवल हो गया ना वो क्या है, वो शॉर्ट रन कैपेसिटी जो है ना फर्म की उससे भी नीचे हो गई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 696 क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डैश्ड कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो ऑपरेशन फॉर्म का है ना, मतलब अगर हम स्केल ऑफ ऑपरेशन को अगर एक्सपैंड कर दें तो इट इज अ पार्ट ऑफ डैश फंक्शन। इनमें से किसका किस कॉस्ट फंक्शन का वो पार्ट होता है, एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक, वी हैव फोर ऑप्शन, पहला ऑप्शन लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन और चौथा है बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज लॉन्ग रन। अब समझिएगा कि एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन का एक पार्ट है एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 697 और क्वेश्चन है हमारा, डैश स्टडीज द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रेवेन्यू कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से क्या स्टडी करता है, ठीक है, इनमें से कौन सा एनालिसिस या कौन सा फंक्शन है, कौन सा स्केड्यूल स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रेवेन्यू, क्या स्टडी करता है रिलेशनशिप जो फर्म के इंटरनल रिलेशनशिप है ना रेवेन्यू का, कॉस्ट का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन कॉस्ट फंक्शन, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन, तीसरा ऑप्शन ब्रेक इवन एनालिसिस और चौथा ऑप्शन डिमांड सप्लाई स्केड्यूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रेवेन्यू कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 698 और क्वेश्चन है हमारा, डैश इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्ट चेंज इन द सेलिंग प्राइसेस फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन द आउटपुट लेवल दैट इज टू बी अचीव बिफोर द फर्म स्टार्ट्स अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन इनपुट आउटपुट एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन, तीसरा ऑप्शन कंज्यूमर सरप्लस और चौथा ऑप्शन ब्रेक इवन एनालिसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड, अब आप इसे ना आंसर में पुट करके देखिएगा और आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि सही है कि गलत है, कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्ट्स चेंज इन सेलिंग प्राइसेस फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन द आउटपुट लेवल दैट इज टू बी अचीव्ड बिफोर द फर्म स्टार्ट्स अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 699 क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू इज नोन एज। उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पे जो टोटल कॉस्ट है ना वो रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन एक्सपेंशन पॉइंट, दूसरा ऑप्शन ब्रेक इवन पॉइंट, तीसरा ऑप्शन शटडाउन पॉइंट और चौथा ऑप्शन फोकल पॉइंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू द रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 700 और क्वेश्चन है हमारा, एट ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म्स, ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म्स का क्या होता है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम, क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे जो फर्म का प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट्स आर मिनिमम, तीसरा ऑप्शन लॉसेस आर मैक्सिमम और चौथा ऑप्शन रेवेन्यू इक्वल्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एट ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म्स रेवेन्यू इक्वल्स कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, रेवेन्यू इक्वल्स कॉस्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे।
और कुल मिलाकर के 700 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आई होप एंड बिलीव कि 700 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं। आने वाले टाइम में हम और क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज में हमारे पेज को लाइक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कैसे पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ गुड डे।